मीनिंग क्या है, कोई भी पर्सन जो भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई नीड होती है, उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है। वो जरूरत उसको बार बार मोटिवेट करती है काम करने के लिए, वो जरूरत उसको बार बार काम करने के लिए मोटिवेट करती है कि काम पूरा करना है, क्योंकि काम पूरा होगा तो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो वो क्या करेगा, अपनी नीड को पूरा कर पाएगा। तो एक मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी पर्सन है जो मोटिवेटर है, उसको ये देखना होता है कि सामने वाले पर्सन की क्या नीड है। हम उसको उसकी नीड के लिए अवेयर करते हैं कि तेरे को अपना जरूरत को पूरा करना है, वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, फिर वो उस प्रोडक्ट को जिसको लेकर वो अनसेटिस्फाई था वो उसको परचेज करता है, देन उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर ये प्रोसेस यहीं तक नहीं रुकती है, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, एक के बाद एक नई इच्छा उठती रहती है। मान लो आपके पास एक आज सैमसंग का मोबाइल है, कल की डेट में कल कोई मान लो कि नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, तो हमको वो नया वाला अभी मोबाइल चाहिए होगा, तो हमारी इच्छाएं ऐसे कंटिन्यू चलती रहती हैं और इसलिए हमारा जो मोटिवेशन होता है वो भी चलता रहता है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं कि मोटिवेशन हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नीड के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी जरूरतों के ऊपर। तो ये हमको उसको फील कराना होता है, एम्प्लॉय को फील कराना होता है उसकी जरूरत के बारे में। तो देखा जाए तो ये मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा और चौथी इच्छा। तो इच्छाओं के चलते रहने से ही वो इंसान क्या होता रहता है, मोटिवेट होता रहता है। अब बात आती है कि किसी भी पर्सन से हमने काम कैसे करवाना होता है। तो सिंपल सी बात, पहले हमको ये ध्यान में रखना है, ये समझना है, जब भी हम किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं, नौकरी देते हैं, हम नौकरी क्यों देते हैं, क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा है, क्योंकि उस पर्सन ने कहीं से स्टडी की है, उसने कहीं से नॉलेज गेन की है, वो नॉलेज उसने या तो एजुकेशन से ली है या उसने कहीं से ट्रेनिंग से ली है। तो सिंपल सी बात, एफिशिएंसी एक ऑफ ए पर्सन, एफिशिएंसी किसी पर्सन की कुशलता, एफिशिएंसी डिपेंड करती है, पहली बात, द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, किसी काम को करने की एबिलिटी के ऊपर। वो एबिलिटी उसके अंदर कहां से आती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग से आती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम किसी भी पर्सन को जो कंपनी के अंदर नौकरी देते हैं, क्यों देते हैं, उसकी एजुकेशन के बेस पर, उसकी ट्रेनिंग के बेस पर। पर जब वो कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेस पर काम नहीं करता है, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है डिपेंड करती है पहली तो काम करने की एबिलिटी के ऊपर, वो एबिलिटी कहां से आई है, एजुकेशन या ट्रेनिंग से आई है। दूसरी बात, एक पर्सन की एफिशिएंसी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस पर्सन के अंदर किसी काम को करने की विलिंगनेस कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। वो इच्छा शक्ति ही कहां से आती है, मोटिवेशन से आती है। अब मोटिवेशन दो टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मतलब पैसे के अंदर भी हम उसको मोटिवेशन कर सकते हैं। मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने उसको बोनस दे दिया, कोई ट्रैवलिंग करके आया, हालांकि ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मैंने नहीं देना था, फिर भी मैंने उसको ट्रैवलिंग का पैसा दे दिया। तो मोटिवेशन उसको मॉनेटरी से भी मिल सकती है और नॉन मॉनेटरी भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की मीटिंग होती है, हम इंप्लॉयज को कंपनी की मीटिंग में नहीं बिठाते, फिर भी हमने क्या किया, इंप्लॉयज को कंपनी की मीटिंग में बिठाया, तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं तो इस कंपनी का हिस्सा हूं, कंपनी वाले मुझे अपना ही समझते हैं। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है पहली तो डिपेंड करती है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग से अचीव करने के ऊपर, दूसरा डिपेंड करती है उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर। पर ये इच्छा शक्ति हमको उसमें जगानी पड़ती है, वो कहां से जागेगी, मोटिवेशन से जागेगी। मोटिवेशन दोनों टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो सिंपल सी बात, हमने अभी मीनिंग के अंदर क्या देखा कि किसी भी पर्सन के पीछे, स्पेशली काम करने के पीछे कोई कारण होता है, वो कारण क्या होता है, जरूरत उसकी, जो उसको अचीव करना है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, काम करता है, कहीं ना कहीं वो जरूरत उसको मोटिवेट भी करती रहती है। एक जरूरत पूरी होती है फिर दूसरी जरूरत का, दूसरी नीड का जन्म हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू ही चलती रहती है।